मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड में प्रखंड सभागार में आज श्रम कार्ड को लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। इसमें श्री कुमार के द्वारा ये बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा श्रम कार्ड जो कि पोर्टल के माध्यम से बनाया है उसको लेकर के सभी प्रखंड कर्मचारियों को ये बात विस्तार पूर्वक बताई गई। ये कार्ड वैसे लोगों का बनेगा जो कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि दुकानदार, राजमिस्त्री के साथ काम करने वाले इत्यादि लोगों का श्रम कार्ड बनना है। इसको लेकर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जाना है और लोगों का श्रम कार्ड बनाना है। इससे भारत सरकार के द्वारा जो भी आगे योजना है उसके माध्यम से लाभ ले सकते हैं एवं असंगठित क्षेत्र के मृत्यु उत्पादन दुर्घटना में जो भी अनुदान मिलता है उसे इसी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए सभी श्रमिकों का पोर्टल के माध्यम से निबंधन अनिवार्य है। सभी विकास मित्रों को CSC के संचालन का जो करना है, जो भी हमारे कामगार लोग हैं उन सभी का निबंधन करना है। जो भी लोग काम कर रहे हैं, कारखाने में काम करता हूं या फिर कहीं काम करता हूं जिसका कर्मचारी निगम में स्थान नहीं है, उन सारे लोगों को निबंधन होगा। निबंधन होने के बाद वो अपना काम करेंगे। अगर उनके साथ किसी भी तरीके की दुर्घटना घटित होती है और अगर उनका नाम पोर्टल में रहेगा तो भी उस योजना में होगा, उनके माध्यम से इसको लाभ मिलेगा। वही इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी उपेंद्र प्रसाद सिंह, अंचल अधिकारी स्नेहा सत्यम, प्रखंड समन्वयक अमित कुमार, विकास मित्र इत्यादि कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद। मीटिंग बुलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा जो ई श्रम पोर्टल लागू किया गया है, जिसमें सभी असंगठित क्षेत्र के जो भी कामगार हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले और राजमिस्त्री, उनके साथ काम करने वाले मजदूर, कृषि में लगे हुए मजदूर और जो भी अपना करते हैं, जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, उन सारे कामगारों का उस पर रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस पर सरकार की जो आगे की योजना है कि उसके माध्यम से कई प्रकार के लाभ भी दिया सकते हैं और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो मृत्यु उपादान और दुर्घटना पे जो उपादान मिलती है उस सब जो है इसी के माध्यम से क्रियान्वित होगी। इसीलिए ई श्रम पोर्टल पे सारे श्रमिकों का, सारे कामगारों का निबंधन अनिवार्य है। सभी विकास मित्र CSC के जो संचालक हैं, जिनको करना है, सभी को का ये निर्देश दिया गया है कि जो भी हमारे लोग हैं कामगार की श्रेणी में, सभी का निबंधन उसमें कराना है। जैसे इसमें ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं, जो कामगार लोग हैं जो कहीं पे भी काम कर रहे हैं जी, जो कारखाना में काम नहीं कर रहे हैं, जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, जिनका सामान्यतः आप समझिए कि जिनका भविष्य निधि नहीं कटता है, जिनका कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अंशदान नहीं है, वो सारे लोगों का इसमें निबंधन होगा। निबंधन होने के बाद वो अपना काम करेंगे, जैसे उनके साथ दुर्घटना या कुछ होती है तो वो अपना जब क्लेम करेंगे तो इस पोर्टल पर अगर उनका नाम रहेगा तो उनको लाभ जो योजना है उसके अनुसार से तुरंत मिलेगा। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड में आज शुक्रवार को 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर SUCI कम्युनिस्ट के सैकड़ों किसान मजदूरों ने संग्रामपुर मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय से विजय जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व प्रखंड सचिव रंजीत राम और सुधीर यादव कर रहे थे। जुलूस बाजार के सभी मुख्य मार्गों से गुजरते हुए चौक पर आकर सभा में बदल गया। मौके पर उपस्थित राज्य कमेटी सदस्य एवं जिला सचिव कामरेड कृष्णदेव शाह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा को किसान आंदोलन और जन आंदोलन की ऐतिहासिक जीत बताया। रंजीत राम ने कहा कि तीनों कानून को वापस लेने की घोषणा ये साबित करती है कि ये कानून किसानों के हित के विपरीत था। उन्होंने कहा कि 12 महीने से चल रहे इस देशव्यापी किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसान शहीद हुए, लेकिन किसानों ने अंततः कारपोरेट घरानों के हमलों को विफल करते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही श्री शाह ने कहा कि सरकार इसी तरह बिजली बिल भी वापस ले और 50% लाभकारी मूल्य पर MSP पर किसानों की उपज खरीद की गारंटी करे। श्री शाह ने किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, बुद्धिजीवियों समेत आम नागरिकों को इस जीत की बधाई देते हुए कहा कि आगे भी लड़ाई के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सभा में भरत मंडल, नारायण यादव, उत्तम दास, विनोद मंडल, गंगा मंडल, सुधीर मंडल, संतोष दास आदि लोग उपस्थित रहे। के इस प्रोटेस्ट, ये विजय जुलूस के पीछे का मकसद है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो सरकार किसानों के खिलाफ तीन काले कृषि कानून को लाई थी और किसानों ने 12 महीने से कड़ा संघर्ष चला रही थी, 700 किसानों ने अपना बलिदान दिया और आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम तीन काले कृषि कानून को वापस लेते हैं। लेकिन इतना से ही नहीं, आगे की लड़ाई हमारी और जारी रहेगी और हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं ये जन विरोधी सरकार से कि जब तक MSP कानून को कानूनी जामा और बिजली अधिनियम 2021 वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग विचार करेंगे और इस आंदोलन को और आगे चलाएंगे। और आज तीन काले कानून को वापस लिया गया इसी विजय जुलूस के मकसद पर हम लोग किसानों के बीच ये बताने जा रहे हैं
कि ये लड़ाई और लंबी हम लोग को लड़नी होगी और आंदोलन की जीत होगी। जैसे आज प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पर मजबूर हम लोगों ने किया और किसानों ने मजबूर किया और किसानों की ये जीत हुई। हमारा परिचय, कॉमरेड कृष्णदेव शाह, SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के मुंगेर जिला सचिव। बेलदौर चौक के नजदीक 3 दिनों से समाज सेवी ओम प्रकाश क्रांति के नेतृत्व में वाहन किराया में हुई बढ़ोतरी को लेकर अनशन किया जा रहा था। इस बात की जानकारी मिलते ही अनशनकारी के मांगों को मानते हुए खगड़िया DTO धीरेन्द्र कुमार ने अनशन को समाप्त करवाया। जानकारी के मुताबिक जिला पदाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष के आदेश पर DTO खगड़िया धीरेन्द्र कुमार ने बेलदौर अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारी से वार्ता की। वार्ता सफल रहने पर उन्होंने अनशनकारी को जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाया। बताया जा रहा है कि कार्यस्थान चौक के समीप अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर बेलदौर बाजार के समाज सेवी सह RTI कार्यकर्ता ओम प्रकाश क्रांति अपने सहयोगियों के साथ 3 दिनों से आवरण अनशन पर बैठे हुए थे। अनशनकारियों का कहना था कि बस चालकों के द्वारा यात्रियों के साथ भाड़ा वसूली करने में मनमानी की जाती है। खगड़िया DTO धीरेन्द्र कुमार, अपने अधीनस्थ कर्मी VDO सुनील कुमार, बेलदौर थाना के SI कौशल कुमार मिश्र के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उनसे बातचीत कर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। सुनिए खगड़िया जिला पदाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष क्या कुछ कह रहे हैं। मैं सुबलेश कुमार यादव, खगड़िया ब्यूरो चीफ। आज हम खगड़िया जिले के 23 जिला पदाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से बात करेंगे कि समाज सेवी ओम प्रकाश क्रांति जो वाहन किराए को लेकर लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई भी बढ़िया पदाधिकारी उनसे वार्ता करने के लिए नहीं गए हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हालांकि जिला पदाधिकारी ने बताया कि खगड़िया DTO धीरेन्द्र कुमार जी को क्या कहते हैं धरना स्थल पर जो है भेज दिया गया है। आज उनसे वार्ता कर धरना की समाप्ति कर दी जाएगी और जो जिसके लिए वो लोग धरना दे रहे हैं उनके सभी मांगों को मानते हुए और उस पर कार्रवाई करते हुए जो है आज धरना की समाप्ति कर दिया जाएगा। हालांकि देर शाम तक ये पता चला कि धरना की समाप्ति भी हो गई है। आइए हम जिला पदाधिकारी महोदय से बात करते हैं। बेलदौर प्रखंड में कुछ समाज सेवियों के द्वारा लगातार 2 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा, वाहन भाड़ा में वृद्धि होने के कारण, क्योंकि बताया जा रहा है कि बेलदौर से खगड़िया 44 किलोमीटर है, जहाँ 66 रुपये लेना चाहिए वहाँ 80 से 90 रुपये लिया जा रहा। माली चौक से 50 किलोमीटर बताया जा रहा है, जहाँ 60 रुपये लेना चाहिए वहाँ 90 से 110 रुपये लिया जा रहा है। वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राज्य सरकार द्वारा और सभी RTS के द्वारा जो भी रूट्स होते हैं उसमें दर निर्धारित रहता है पूर्व से, और इसको हाल फिलहाल ही रिवाइज क्योंकि किया गया है, तो इसमें कोई शंका की बात नहीं कि कोई रेट बहुत पुराना है या फिर अव्यवहारिक है। तो जो भी निर्धारित किया गया है सोच समझ के वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख के किया गया है। शिकायत मुझे आज प्राप्त हुई और इसमें मैं DTO के माध्यम से एक बार जांच भी मैं करवा लेता हूँ। उसमें पिनल प्रोविजंस का भी उसमें उल्लेख है, अकॉर्डिंगली उन पर कार्रवाई की जाएगी और अगर सुधार नहीं होता है तो वैसे परिस्थिति में RTA के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। लगातार 3 दिन से वो लोग धरना प्रदर्शन पर भूखे हैं, तो उन लोगों का कैसे धरना खत्म किया जाएगा? नहीं, प्रशासन के लोग मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल 2 दिन से जो चुनाव भी चल रहा था और कल काउंटिंग भी थी, उसमें प्रशासनिक पूरा तंत्र उसमें जुड़ा हुआ था, मैं उनसे अभी निर्देश भी उनको दूंगा, वो मिलेंगे भी, उनकी समस्याओं का सुनते जो भी